नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से, जहां पर प्रशासन की ओर से मस्जिद गिराई गई थी। उसी मस्जिद को जिला प्रशासन अवैध निर्माण बता रहा है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के दस्तावेजों में वो पिछले 6 दशक से तहसील वाली मस्जिद के तौर पर दर्ज है। सबसे बड़ी बात तो ये सामने आ रही है कि मस्जिद के प्रबंधकों का दावा है कि मस्जिद इससे कई ज़्यादा पुरानी है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट के स्थगन आदेशों के बावजूद प्रशासन की इस कार्रवाई को अवैध बताया है और इसे हाई कोर्ट में चुनौती देने का फैसला भी किया है। बाराबंकी जिले के रामसनही घाट में तहसील परिसर में मौजूद गरीब नवाज मस्जिद, जिसे तहसील वाली मस्जिद भी कहा जाता है, उसे जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण बताते हुए सोमवार को रात में बुलडोजर से गिरा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।